असलकम अगेन आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे तो नाउ वी विल फाइंड द डिफ्रेंसीशन ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड द फंक्शन हेयर इज़ साइन एक्स तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफ्रेंसीन की थी वाई इक्वल टू एक्स पावर एन की और उसमें हमने आपको बताया था कि वट इज़ द फार्मूला बिहाइंड द डिफ्रेंसीन वाई इक्वल टू एफ एक्स की जो फार्मूला है डिफ्रेंसीशन की, की जो फार्मूला है वो क्या है तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि इसको आपको आसानी हो जाएगी समझने में ठीक है तो एक्चुअली क्या थी फार्मूला आपके पास अगर कोई भी फंक्शन होगी वाई इज इक्वल टू एफ आफ एक्स एंड इफ यू हैव टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसीेशन देन द फार्मूला इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ये एक्चुअली क्या है इस पर भी हमने बात की है इससे पहले वाले वीडियो में वाईल एक्स पावर एन की जो वीडियो है इस पर हमने बात की है इट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ इट इज हाउ इट इज ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट ओके नाउ लाइक वाइज इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बट जो इससे वाले जो इससे पहले वाला वीडियो था x पावर की इससे ये बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी डिटेल बताई थी फैक्टोरियल की एन सी जीरो एन सी टू एन सी थ्री तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें इतना नहीं है इसमें सिंपल एक फार्मूला है वो आप यहां पर राइट डाउन कीजिएगा ठीक है ओके सोल्यूशन या प्रूफ तो हेयर क्या है एफ ऑफ एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स एंड वी विल यूज सेम मेथड दैट इज एबिनिशो मेथड अगर एफ आफ एक्स आपके पास ये है डीआर फोर एफ आफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ आफ एक्स डियर फोर राइट डाउन सिंपली डी वाई बाई डी एक्स के लिमिट डेल्टा एक्स टेंडस टू जीरो फार्मूला ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और इससे पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको आपने आखिर तक जाना है आखिर तक ले जाना है और लास्ट में आप इसकी वैल्यू दे देना इक्वल टू तो जीरो ठीक है तो अब आप अपना अपना वैल्यू पुट कीजिए दिस इज इक्वल इसी को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है इसलिए इसमें कोई भी बात नहीं है डरने की यह है फार्मूला x प्लस डेल्टा x साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अब यहां पर इतना इतना तो आसान है यहां तक आई होप कि आपको ये आसान लगा होगा अब एक सिंपल फार्मूला है वो आपने रिमेम्बर रखना है यहां पर मैं उसको लिखूंगा ताकि इसको हम अप्लाई करेंगे ठीक है ताकि जो एग्जाम है आपका उसमें आपके लिए आसानी हो जाए ठीक तो फार्मूला सिंपल ये है इस पहली फार्मूला एक ही फार्मूला इसमें लगेगी साइन ए माइनस साइन बी ये ए और बी एंगल्स होते हैं ठीक है इसलिए इसमें खोफ नहीं खाना ये एंगल्स होते हैं साइन ए माइनस साइन बी फार्मूला ये है टू टाइम्स यानी कि डिवाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू यानी ये ए प्लस बी बाई टू है ठीक है डिवाइड ऐसे नहीं है डिवाइड ऐसे नहीं है ये एंगल को डिवाइड है ओनली एंगल को ठीक है इसलिए ध्यान रखना ए प्लस बी बाई टू ठीक है इन टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू एंगल को डिवाइड है साइन ए माइनस साइन बी इसमें एक आ जाएगा कॉस एक आ जाएगा साइन कॉस ऑफ़ ए प्लस बी यहां पर साइन ऑफ ए माइनस बी इसलिए उतना मुश्किल नहीं अब आप अप्लाई कीजिए यहां पर साइन ए ए ये है माइनस माइनस साइन बी साइन बी साइन ए माइनस साइन बी ए यहां पर ये वाला है बी है एक्स अप्लाई कीजिए इज इक्वल यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स जीरो साइन साइन ए माइनस बी फार्मूला वो है टू टाइम्स कॉस ऑफ कॉस अपना कॉस ए प्लस बी ए ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स बी क्या है एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू अब इस पर आ जाए ये आप थोड़ा सा बड़ा लिखना साइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि ए आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी क्या है एक्स डिवाइडेड बाई टू बहुत आसान है पहले मैं चेक करूंगा कि आपको ये अच्छा दिखता है कि नहीं यस yes, बहुत बढ़िया नाउ आ जाए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो टू टाइम्स कॉस अपनी जगह अब देखिए एक्स प्लस एक्स हो गए टू एक्स है ना टू टाइम्स एक्स टू एक्स प्लस है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय है टू ओके यस इसके बाद है साइन अब देखिए एक्स और एक्स कैंसिल होगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू और है अपना ये मैं भूल गया इसको आप लिखना सारे को डिवाइड है डेल्टा एक्स यहाँ पर भी है होल जो न्यूमिनेटर है इसको डिवाइड है डेल्टा एक्स यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद जो है इसके बाद सिंपल फार्मूला है मतलब कोई फार्मूला नहीं है वैसे बस एक आइडिया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए नाउ यहां तक तो आप पहुंच गए ये मैं मिटा रहा हूं ठीक है एक और फार्मूला है ये वाली फार्मूला ठीक ये तो हो गई इसको मैं मिटाऊंगा ये तो हमने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है एक और सिंपल फार्मूला है फार्मूला नंबर टू तो। इसको भी आप याद रखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडस टू जीरो ठीक डरना नहीं है इसमें ठीक लिमिट होता है यानी कि जो ये डेल्टा एक्स है यानी कि हम चेंज को अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ साइन एक्स बटा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ये फार्मूला एंगल यहां पर भी यहां पर भी यहां पर ये और ये सेम होना चाहिए ये हमेशा होता है वन के बराबर ये होता है हमेशा वन के बराबर साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन यानी कि यहां पर सॉरी यहां पर भी आपको एक्स आ जाएगा जो यहां पर होगा यहां पर भी होना चाहिए यहां पर भी होना चाहिए बट एक्स मस्ट अप्रोच जीरो ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ऐसे आपको दिया गया होगा लिमिट Suppose, आपको ऐसे दिए वाई टेंडस टू जीरो पर भी सेम एंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडस टू जीरो अगर ऐसे होगा साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज ऑल्ल तो अगर ये है तो ये भी किसके बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अगर जो एंगल होगा वही यहां पर भी होना चाहिए डेल्टा एक्स बटर टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बटर टू ये भी होता है वन के बराबर क्योंकि ये और ये सेम आ गया ठीक है एक्चुअली इसके लिए एक आइडिया है उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटॉलिज रूल ठीक है उसमें मैं आपको यहाँ पर नहीं जाने दूंगा क्योंकि उसमें आपके लिए यहाँ पर मुश्किल होंगी ठीक है तो इसको आप इसको आप याद रखिएगा दिस फार्मूला ये वाली ये वाली या वो वाली एक ही फार्मूला है बस आपको ये रिम्बर रखना है ये और ये सेम होना चाहिए बस इतना है आइडिया आपके पास दिस एंड दिस मस्ट बी सेम इसको आप साइड में रखिएगा इस वाले चीज़ को यहाँ पर हमारे लिए मददगार होगा तो अब आप आ जाए अब देखिए बस हो गया डियर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया लिमिट डेल्टा एक्स जो है टेंड करता है जीरो की तरफ अब देखिए सेम अब देखिए जो ये लिमिट है ना जो ये लिमिट है ये इसके साथ भी लिमिट है उसके साथ भी लिमिट है ठीक है अलग अलग लिमिट होता है यहां पर देखिए यहां पर क्या है साइन ऑफ okay, डेल्टा एक्स बाई टू फिर है डिवाइड okay, डेल्टा एक्स बट जो अभी हमने फार्मूला की थी अगर ये और ये सेम होगा तो इसका जो लिमिट होगा वो होगा वन के बराबर बट जो ये ये वाली जो यहां पर है इसमें है डेल्टा एक्स बाई टू लेकिन यहां पर है ओनली डेल्टा एक्स तो हमें चाहिए टू हम क्या करेंगे कुछ नहीं जो ये टू है इसको हम नीचे लाएंगे ताकि इसका जो लिमिट होगा वो होगा वन के बराबर बात खत्म तो यहां पर रहेगा फिर कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू अब ये उसके साथ भी है लिमिट ये अलग अलग लिमिट देना पड़ता है क्योंकि ये इसके साथ भी है डेल्टा एक्स वहां पर रह गया साइन डेल्टा एक्स बाई टू यहां पर रह गया डेल्टा उस टू को हम नीचे लाएंगे फिर ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है तो एक ही बात है ये जो है ये अब रह गया इसके साथ अब ये इसके साथ नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर ऐसे नहीं है एक्स प्लस वाई टू नहीं है तो आप ऐसे लिखेंगे x यहां मल्टीप्लीकेशन है यह ऐसे x लिख सकते इंटू वाई बाई टू एक ही साथ ये इसके साथ भी नहीं आ सकता क्योंकि वो फिर बनेगा x इंटू वाई बाई फोर ठीक है नॉट इन दिस के यहां पर होता है अलग अलग यहां पर होता है चाहे इस टू को इसके साथ रखेंगे या इसके साथ रखेंगे हियर आल्सो इसको आप इसके साथ रखेंगे या इसके साथ रखेंगे आपका फायदा जहां पर होगा उसके साथ रखिए तो जो हमारा फायदा है वो है यहां पर इसके साथ क्योंकि ये आ जाएगा 1 के बराबर बाय द एबो फार्मूला अब दीजिए लिमिट सॉरी अब दीजिए लिमिट इसके बाद ये हो गया 1 cos a 2x प्लस इसके बदले होगा लिमिट जीरो बट टू इंटू वन डेल एक्स अप्रोच जीरो दिस बाय दिस इक्वल टू सेम विच इज इक्वल टू कॉस टू एक्स बाय टू ये और ये कैंसल कॉस एक्स देर फोर द डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स hence the result is proved. So hence you can write down at the end if y is equal to sin x, then dy by dx is equal to cos x. Okay.